हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एक्चुअली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल पोएम आर जेनिफर्स टाइगर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पोएट। दिस इज द फोटो ऑफ द पोएट एड्रिन रिच एंड हियर सम इम्पॉर्टेंट डिटेल अबाउट द पोएट। एड्रिन सिसिली रिच and born on 16 May 1929 and died 27 March 2012 in Baltimore, Maryland, USA. Next is that Adrian Rich was an American poet, essayist, feminist, socialist and theorist. She was widely influential during the second half of the 20th century and widely acclaimed for her erudite, lucid and plain writing style. Dear student, Aunt Jennifer Tiger is a 1951 poem from her poetic collection A Change of World. The poem criticized the traditional institution of marriage. अब एक्चुअली जो पोएम है स्टूडेंट 1951 में ही लिखी गई थी और उस दौरान की जो कल्चर सोसाइटी में फ्लरिश थी उसको ये बयां करती है। एक्चुअली अ चेंज ऑफ वर्ल्ड एक कलेक्शन था पोएम का, वहाँ से ये पोएम ली गई थी और पोएम में क्रिटिसाइज किया गया है जो परंपरागत संस्थान है शादियों के, जिन तौर तरीकों से और आफ्टर मैरिज जो एक माना जाता है कि दिस इज़ द प्लेस ऑफ अ वुमेन, आफ्टर मैरिज दिस इज़ द प्लेस ऑफ अ वुमेन, उन ट्रेडिशनल थॉट्स को लेकर के यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम। सो द थीम ऑफ दिस ब्यूटिफुल पोएम टेल्स अस एंड इवन वी कैन से इट एक्सप्रेस अस द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिटल लाइफ फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, कि मीन्स जो एक टेंशन, तनाव, एक स्ट्रेन और इवन वी कैन से सम मोर, वी कैन यूज सम मोर हैवी वर्ड्स लाइक लैमेंटेशन है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटनेस है, आफ्टर लाइफ, आफ्टर मैरिज जो वुमेन्स एक्सपीरियंस करती हैं और उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नज़रिया है आफ्टर मैरिज लाइफ को लेकर के, दिस पोएम डिपिक्ट्स अस एंड ऑल्सो इट एक्सप्लोर्स वुमेन्स एक्सपीरियंसेस लिविंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ मैन। मीन्स के जो महिलाएं, फीमेल्स मेल डोमिनेंस के अंतर्गत रहती हैं, उन महिलाओं के जो तजुर्बे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लोर, ऑल्सो रिप्रेजेंट थ्रू दिस पोएम। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन से कि इट एक्सपोजेस द डिजोलेटिंग इफेक्ट, मीन्स के जो बुरे प्रभाव देखने में आते हैं, जो एक सैडनेस है दो दैट आर फ्लरिशिंग इन अवर सोसाइटी बिकॉज ऑफ ओनली पैट्रियार्की सिस्टम, मीन्स के जो हमारा सामाजिक पुरुष प्रधान समाज है और इस पुरुष प्रधान समाज की वजह से महिलाओं का जो एक ह्यूमिलेशन होता है, टू दैट दिस पोएम डिपिक्ट्स अस ऑल्सो। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो पोएट हैं उन्होंने ये जो पोएम लिखी है 1951 के दौरान की जो कल्चर, जो व्यवस्थाएँ थी, रूढ़ीवादी चीज़ें, हायरार्की हमारे समाज में व्याप्त थी, वो उस टाइम को ये रिप्रेजेंट करती है। आज के अगर हम समय में बात करें तो काफ़ी हद तक चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एंड इवन कहीं ना कहीं ये पोएम आज भी उस सच्चाई को हमारे समाज में जो अभी भी कहीं ना कहीं व्याप्त है उसको भी ये हमें शो करती है। तो लेट्स मूव फर्दर। एक्चुअली ये जो पोएम है, द पोएम इज अरेंज्ड इन थ्री क्वाट्रेन, फोर लाइन, मीन्स 4 × 3 इज इक्वल टू 12, तो 12 लाइन्स अप्रोक्स इन दिस यूज इन दिस पोएम। एंड सो लेट अस लुक ओवर द फर्स्ट स्टैंजा डियर स्टूडेंट। हियर फर्स्ट स्टैंजा सेज दैट Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the men,
beneath the tree they pace in sleek chivalric certainty. So here, dear student, first I will tell you in my own words. Here Aunt Jennifer is a tiger. Aunt is a lady जिसको राइटर ने यहाँ पर रेफर किया है, एंड जेनिफर इज़ द नेम ऑफ दैट लेडी. तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं उनका टाइगर है, वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उनके पास एक क्लोथ है, एक टेपेस्ट्री है, कपड़े का टुकड़ा है, और उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और एक टाइगर को बना रही हैं, जो यहाँ पर बोला गया है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. सो हियर डियर स्टूडेंट, स्क्रीन हियर रेफर टू द क्लॉथ और ए टेपेस्ट्री, एंड हियर आंट जेनिफर्स टाइगर मीन्स वो एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं एक टाइगर को एक क्लॉथ के ऊपर. ठीक है, तो प्रेंस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, प्रेंस का मतलब होता है मूव करना. तो जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो मूव कर रहा है स्क्रीन पर, तो वो कहना चाहती हैं कि आंट जेनिफर एक टाइगर को बना रही हैं, उसको एम्ब्रॉयडरी के द्वारा वो कपड़े पर बना रही हैं. हियर ब्राइट टोपेज डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. अब हियर ब्राइट टोपेज ऑल्सो रिप्रेजेंट द टाइगर डेनिजन. इट इज अ सूटेबल हैबिटेट टू लिव एंड ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. Here represent the forest. World of green, here represent the forest. अब देखिए इसको समझिए. तो उन्होंने कहा है कि ब्राइट टोपाज मीन्स जो टाइगर है, ब्राइट टोपाज इज अ काइंड ऑफ जैम, एंड जनरली यू कैन से ब्राइट येलो कलर. इट इज़ जनरली इन ब्राइट येलो कलर. तो यहाँ पर ये जो ब्राइट चमकीला येलो कलर है, टोपाज वर्ड यहाँ पर आया है, ये टाइगर के लिए आया है. तो ये जो टाइगर है ये अपने हैबिटेट में है इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. तो यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं जो क्लोथ है उसका कलर कैसा है, ग्रीन, और उसमें वो जो टाइगर है उसका कलर कैसा है, येलो, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ब्राइट टोपाज से. तो इन दोनों लाइनों का अर्थ ये निकला कि आंट जेनिफर के पास एक ग्रीन कलर का क्लोथ है और उस क्लोथ पर वो एक टाइगर को एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं. एंड इवन थ्रू दिस स्टेंजा आंट जेनिफर वांट्स टू डिपिक्ट द इमेज, दे वांट्स टू शो द इमेज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ टाइगर हियर, एंड इवन दे ऑल्सो वॉन्ट टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइगर दैट दे डू नॉट फियर द मैन, दे डू नॉट फियर द मैन, दे पीस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी, दे पेस इन स्लीक चिवैलरिक सर्टेनिटी. वो चाहती हैं कि जो क्वालिटीज टाइगर में होती हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, और वो चाहती हैं कि वो सारी क्वालिटीज़ आंट जेनिफर में होनी चाहिए. तो अपने दिल के भाव को, अपने मन के भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आंट जेनिफर हैं वो उसको टाइगर का रूप दे रही हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए. क्योंकि जो टाइगर होते हैं दे डू नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, कि जो इंसान होते हैं, जो मेंस होते हैं, टाइगर उनसे नहीं डरते. दे पेस इन, पेस हियर रेफर टू द मूव, वो मूव करते हैं एक स्लीक चिवेलरिक सर्टेनिटी मींस अपने ही अंदाज में वो चलते रहते हैं, वो किसी से नहीं डरते. बट एज आई एम अ वुमेन तो हमें डरना पड़ता है और हमें आदमियों की बातों को सुनना पड़ता है. दिस इज depict through the one stanza, and in the other stanza here Adrian Rich wants to say, अब वो बताते हैं द जो एक डर है, जो एक टेरर है inside the mind of Aunt Jennifer, it second stanza depicts that. Like Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, fluttering means कप कपाना, थरथराना, शिवर्ड करना, कि जो आंट जेनिफर की फिंगर हैं वो फ्लटर कर रही हैं,
जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, बुन रही हैं, तो उनकी उंगलियां कप कपा रही हैं। एंड इवन आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये भी देख सकते हैं कि फाइंड आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी, आइवरी से मतलब है जो एलिफेंट टीथ होता है ये उससे बनाई जाती है आइवरी नीडल। एंड ये बहुत ही लाइट होती है, हल्की होती है, बट यहाँ पर ये कहा गया है कि दैट वॉज ऑल्सो हार्ड टू पुल। इवन वी कैन से आंट जेनिफर्स हैंड डज नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू पुल दैट लाइट नीडल एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली टेरर। ये और कुछ नहीं, केवल ये केवल टेरर ही था, डर ही था। एंड इवन वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द मैसिव वेट। मैसिव मीन्स हियर यू कैन से अ ह्यूज अमाउंट। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेट था। किस चीज़ का वेट था? ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल की जो वेडिंग बैंड है, जो एक रिंग है, मैरिज रिंग जो होती है, उसका एक वेट है उनके हाथ में, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को ऊपर भी नहीं उठा पा रही हैं। एंड नेक्स्ट वो कहती हैं कि दिस वेडिंग बैंड हियर, दिस वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। के जो बेडिंग बैंड है वो बहुत हैवीली मीन्स उसका बहुत ज़्यादा वजन है आंट जेनिफर के हैंड में। तो थ्रू दिस स्टेंजा आंट जेनिफर ये कहना चाहती हैं कि वो कितनी कमज़ोर हैं और उनके ऊपर जो प्रेशर है उनको सरप्रेस किया गया है अंकल के द्वारा, के जो मेल डोमिनेंसी है उसके अंतर्गत ही वो रहती हैं। एंड शी इज़ नॉट, सी डज नॉट हैव इनफ स्ट्रेंथ टू इवन पुल द आइवरी नीडल बाय इट्सेल्फ। एंड इन द थर्ड स्टेंजा पोएट हियर वांट्स टू से हियर शी आल्सो वांट्स टू टेल अस अबाउट द मेल डोमिनेंसी, द एक्सप्रेस द सुप्रीम लेवल ऑफ द मेल डोमिनेंसी। हियर शी इज सेइंग व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो जो उनके ये टेरिफाइड, ये जो टेररइज्ड डरे हुए हाथ होंगे, विल लाई, ये पड़े होंगे, इनमें तब भी कोई चीज होगी, मीन्स स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस, मीन्स इट विल शोज दिस थिंग दैट शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि उसके ऊपर किसी का मालिकाना हक था। ये बात तब भी देखने में आएगी जब आंट जेनिफर मर जाएंगी। एंड इवन हियर शी इज टॉकिंग अबाउट द मेल, शी इज टेलिंग द टाइगर इन द पैनल, और जो टाइगर है पैनल में दैट शी मेड, जिसने उसको बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, वो जाएगा बिना डरे, गर्भ से सिर ऊंचा किए। तो यहाँ पर जो वो टाइगर उन्होंने रेफर किया है, इट आल्सो रिप्रेजेंट द मेल्स एंड देयर व्यू पॉइंट्स, कि एक लेडी की जब डेथ हो जाती है या डेथ से पहले भी उसको कई चीज़ें ऐसी मैनेज करके रखनी पड़ती हैं जनरली, जो बताती हैं कि इस महिला की शादी हो चुकी है, बट जनरली मेंस ऐसी कोई चीज़ धारण नहीं करते हैं। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर डेथ ऑल्सो, डेथ के बाद भी जो महिला शादीशुदा होती है उनको उनके सुहाग के श्रृंगार के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऑन दैट टाइम इट ऑल्सो रिप्रेजेंट के इस औरत के शव के ऊपर भी, इस औरत की डेड बॉडी के ऊपर भी किसी का हक है। और जो टाइगर होता है, जो मेल, जो इंसान, जो आदमी होते हैं, उन पर किसी का कोई हक नहीं होता जनरली। वो जब उनकी वाइफ की कई बार डेथ भी हो जाती है तो जनरली वो समाज में हर जगह घूमते हैं, जाते हैं, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को वो जीते हैं कुछ समय के बाद में। लेकिन एक जो वेमेन होती है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीज़ आज भी देखने को मिलती है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं यदि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। लाइक कि वो किसी शादी समारोह में जनरली शामिल नहीं हो सकती, किसी नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं कर सकती, किसी
दुल्हन के सामने एकदम से नहीं जा सकती, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं शादी मैरिजों के उनमें वो शामिल नहीं हो पाती, जैसे मंदिरों में जाना, देवता पूजना, लाइक दिस। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक रूढ़िवादी सोच को भी दर्शाती हैं। इट शुड बी वैनिश्ड, ये हमारी सोसाइटी से चीज़ें गायब होनी चाहिए। आई होप के थ्रू दिस पोएम पोएट हमसे यही कहना चाहते थे। इसके अलावा आई होप दैट यू लाइक एंड एन्जॉय दिस पोएम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय, हैव अ नाइस डे। डू सब्सक्राइब।